ओम शांति। शिव बाबा हमें अविनाशी ज्ञान रत्नों का दान करने के लिए कह रहे हैं, सेलिंग करने के लिए कह रहे हैं, क्योंकि संपूर्ण विश्व को शिव बाबा का संदेश मिलना बहुत ज़रूरी है। इसलिए शिव बाबा का ज्ञान एक दो के समीप संपर्क में आकर बताते रहना है। ध्यान रहे जो आपे ही समझ जाए, इशारे से समझ जाए वो देवता, जो कहने के बावजूद समझे वो मनुष्य, और जो कहने के बावजूद भी न समझे वो क्या है ये बताने की आवश्यकता नहीं है। तो शिव बाबा हमें कहते हैं कि मीठे बच्चे, विश्व की बादशाही तुम्हारे लिए है। तुम स्वर्ग का मालिक बनते हो, विश्व का मालिक बनते हो। मैं तो वानप्रस्थी हूँ, मनुष्य मनुष्य को विश्व का मालिक बना ही नहीं सकता। तो विश्व का मालिक यदि शिव बाबा हमें बना रहा है तो हमें बड़े बड़े शहरों में इस ज्ञान का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि जो कलयुग में कथित तौर पे बड़े मनुष्य हैं, यदि उनके मुख से आम आदमी तक इस ज्ञान का प्रचार प्रसार होगा तो दुनिया वाले सहज रीति से समझेंगे, प्रयास करेंगे समझने का। तो सत्य ज्ञान है, अविनाशी है, इसको देने में शर्माने की, अंदर घबराहट, संशय कि लोग क्या कहेंगे। कई बार हम अजनबी से, अनजाने लोगों से ओम शांति भी नहीं बोलते, तो इस तरह की दुविधा नहीं रखनी है। यदि इस तरह की बात हमारे अंदर है तो यानी अभी निश्चय की कमी है। तो पहले तो अपनी कमी दूर कर लें। तो शिव बाबा का ज्ञान, उसका प्रचार प्रसार निरंतर चलता रहे। शिव बाबा के श्रीमत पर हम निरंतर आगे बढ़ते रहें, चढ़ती कला की ओर जाते रहें, यही हमारे जीवन का ध्येय और लक्ष्य होना चाहिए। ओम शांति।